भाई बहन के प्यार का प्रतीक रक्षाबंधन हर साल बड़े प्यार और हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। और इस बार भी आपको बता दें कि जो बहनें दूर हैं या जिनके भाई दूर गए हुए हैं, उनके लिए जो रक्षाबंधन स्पेशल रहता है, क्योंकि वो बहनें अपने भाइयों को राखी पहुंचाने के लिए मतलब कोरियर वगैरह करवाती हैं। तो मुख्य डाकघर में इस समय हम मौजूद हैं और तस्वीरें आप देख सकते हैं कि तरह से राखी के लिए अलग से जो काउंटर है वो यहाँ बना हुआ है। जो भाई विदेश गए हैं या दूर हैं बहनों से, तो यहाँ से वो कोरियर करवा कर अपने भाइयों के पास राखियाँ वो भेज सकती हैं। तो लगातार सुबह से देख रहे हैं कि किस तरह से जो कोरियर करवाने के लिए राखियाँ यहाँ जो कैथलवासी या आसपास के जो लोग आ रहे हैं तो उनसे भी बातचीत करेंगे। लेकिन सबसे पहले जो जीत है जो राखियों के लिए बुकिंग वगैरह करता है किस तरह से चली हुई है, उनसे बातचीत करेंगे कि कितने कितने रुपए कहां कहां के भेजने के लगते हैं और कहां कहां की जो डिमांड ज़्यादा आ रही है राखियों की। क्यों आपको बता दें कि विदेशों में आजकल ज़्यादा जो चलन चला हुआ है, जिस कारण जो राखियां विदेशों तक भी हमारी जाती हैं। तो बलजीत से बातचीत करेंगे, क्या कुछ कहना चाहेंगे? हाँ जी बलजीत, इसमें 50 से 60 राखियां डेली आ रही हैं, जिसमें लोकल भी हैं और विदेश में भी रूटीन में 15-20 राखियां डेली स्पीड पोस्ट हो रही हैं और बाकी जो बड़े पैकेट हैं वो भी 10-20 डेली हो रहे हैं जी। हाँ, अगर बात करें विदेश की, विदेश में कहाँ कहाँ जा रही हैं? विदेश में सबसे ज़्यादा कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, USA और UK, इन कंट्रियों में ज़्यादा जा रही हैं जी। तो स्पेशल जो एनवेलप है स्पेशल है इसका यहाँ? हाँ, ये राखी का स्पेशल एनवेलप है जी। अच्छा जी, ये है, ये इसमें 10 रुपये का एनवेल्प है ये जी। तो ये स्पेशल प्रिंटेड है जी, इसमें राखी डाल के हम लोकल भी, इंडिया के अंदर भी और विदेश भी भेज रहे हैं जी। हाँ, तो अगर बात करें, जैसे आपने बताया जिन्होंने विदेशों में राखी भेजनी है तो कितने कितने रुपए लगते हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, UK की? हम जैसे ये राखी ऑस्ट्रेलिया जा रही है जी। मैं अब इसको बुक कर रहा था जी। इसका 24 ग्राम वेट है और इसको सिंपल ये रजिस्टर्ड पोस्ट में बुक कर रहे हैं, 206 रुपये में जा रही है ये। अच्छा, 206 रुपये। हाँ, अगर इसी को कोई सिंपल पोस्ट करता है तो ये 50 रुपये की सिंपल टिकट लगेगी, इस पर 40 की लगेगी, 10 रुपये का एनुअल पे ऑटोमेटिक है ये जी। तो इसको 50 रुपये में भी हम भेज सकते हैं जी। उसमें ज़्यादा दिन लगते हैं? नहीं, वही है, ये रजिस्टर्ड है, उसका रिकॉर्ड होता है, उसका रिकॉर्ड नहीं होता, वो चली दोनों जाती हैं। अच्छा, हाँ, दोनों तरीके। हाँ, तो कनाडा के कितने लगते हैं जी? कनाडा का सेम है जी, जैसे इसमें ये 20 ग्राम वेट है, 22 ग्राम वेट है, रजिस्ट्री पे 206 है, स्पीड पोस्ट पे 1392 रुपये हैं। अच्छा, और पार्सल पे 1100 कुछ रुपये हैं जी। हाँ, तो रजिस्ट्री कितने दिन में पहुंच जाती है, स्पीड पोस्ट कितने दिन में पहुंच जाती है? रजिस्ट्री सर कम से कम 15-20 दिन का समय लेती है, 20 से 25 दिन आराम से लेती है, और स्पीड पोस्ट तो 10 दिन में पहुँच जाती है। मेरा नाम वर्षा है। कहाँ से? यहीं कैथल से ही है जी। तो राखी का लिफाफा आपने लिया है, कहाँ भेजनी है? मुझे ऑस्ट्रेलिया भेजनी है क्योंकि मेरा भाई ऑस्ट्रेलिया में है, अभी 5 जुलाई को वो फ्लाइट में गया है। और राखी जैसे हर साल मनाई जाती है प्यार से, तो इस बार भी हम चाहते हैं कि अपने भाई को राखी भेजे, तो हम यहाँ डाकखाने में आए हैं तो अपनी राखी को कुरियर करवाने के लिए। और जिसको भी अपनी राखी कुरियर करवानी है तो यहाँ पर आके करवा सकते हैं, टाइमली वो राखी पहुँच जाएगी, इसकी वजह से चाहे डिस्टेंस कितना भी हो हम ये अपना त्यौहार प्यार से मना सकते हैं। तो जो भाई बहन के प्यार का प्रतीक है रक्षाबंधन, तो यहाँ आए अपने जो बहनें हैं अपने भाई तक बिल्कुल पहुँचा सकते हैं। जैसे कि रक्षाबंधन एक भाई बहन के प्यार का प्रतीक है, तो जिसको भी अपनी राखी कुरियर करवानी है या फिर अपने भाई के पास पहुँचानी है वो यहाँ पे आके उसे भेज सकते हैं अपने। जी, मेरा नाम आकाश है। कहाँ से हो? ये कैथल से ही। कैथल से? हाँ जी। राखी आप कहाँ भेज रहे हो? जी, मैं अपने बड़े भाई को भेज रहा हूँ ऑस्ट्रेलिया। अच्छा, हाँ जी, ऑस्ट्रेलिया भेज रहे हो? हाँ जी। तो कितने रुपए लगे हैं आपके? जी, मेरे 206 रुपये लगे हैं। 206 रुपये? हाँ जी, रजिस्टर से जी। आपकी बहन ने भेजी है जी। तो ऑस्ट्रेलिया आपका भाई है, कितने साल से रह रहा है? जी, मेरा भाई वहाँ से 5 साल से रह रहा है। 5 साल से? हाँ जी। हर साल भेजते हैं? हर साल भेजते हैं। हाँ जी जी। तो अब ये कितने दिन में पहुँच जाएगी जी? ये बता रहे हैं जी, रजिस्टर पर आपके 8-9 दिन लग जाएंगे। अच्छा, हाँ जी, 8-9 दिन में ऑस्ट्रेलिया पहुँच जाएगी। हाँ जी। तो क्या कहोगे, जैसे ये यहाँ अलग से काउंटर भी लगाया हुआ है डाकघर में, और राखी जो बहनें हैं जिनके भाई दूर हैं वो उन तक पहुँचा सकते हैं यहाँ से? हाँ जी, आप यहाँ आ सकते हैं बेचिंत होके, यहाँ आप अपना आएँ और निश्चय होके आप यहाँ पहुँच जाएगी आपकी 8-9 दिनों में राखी। तो ये स्पेशल लिफाफा है राखी के लिए जी? ये स्पेशल लिफाफा है, ये यहीं से मिलता है? यहीं से मिलता है जी। तब जो पोस्ट मास्टर है सुरेश कुमार जी, उनसे जानेंगे कि क्या कुछ मैसेज देना चाहते हैं, किस तरह से जैसे डेली की अगर बात करें 50 से 60 राखियाँ यहाँ बुक हो रही है। जी सर। सर नमस्कार जी।
क्या कुछ मैसेज देना चाहते हो, जैसे रूटीन में जो राखियाँ हैं, जैसे इन्होंने बताया कि 50 से 60 बुक हो रही है, तो क्या कुछ कहना चाहते? सर, हिंदुस्तान का जो भाई बहन के प्यार का पर्व है राखी, वो आने वाला है और डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने इसके लिए भरपूर तैयारी कर दी है, क्योंकि ये संपूर्ण भारतवर्ष में मनाया जाता है और जो भाई अपनी बहनों से दूर विदेश में या हमारे सेना में बैठे हैं, और जो कई बार ऐसा होता है कि बहन बाहर बैठी है तो भाई अपनी बहन को कोई गिफ्ट भेजना चाहता है, तो इसके लिए डिपार्टमेंट ने अपने पूरी तैयारी कर ली है। और इस बार डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने एक स्पेशल एनवलप चलाया है और वो वाटरप्रूफ लिफाफा है, उसके अंदर राखी खराब होने का चांस बनता ही नहीं, क्योंकि आजकल मौसम थोड़ा कच्चा मौसम, बरसात का मौसम होता है, उसकी वजह से कई बार राखियाँ खराब हो जाती हैं, फट जाता है, अनटेम्परेबल है वो उसके साथ मतलब फटने की कोई गुंजाइश नहीं है, और वो आसानी से भाई का जो बहन का जो प्यार है भाई तक आराम से आसानी से सुरक्षित तरीके से पहुंच जाता है। तो यहाँ अगर बात करें अलग से काउंटर वगैरह आपने बनाया? हाँ, इसके लिए हमारा काउंटर अलग से भी है, और जैसे जैसे हमारा त्यौहार नज़दीक जाएगा, इस भीड़ पे भीड़ होगी तो और भी मतलब स्पेशल काउंटर खोलेंगे ताकि पब्लिक को कोई परेशानी ना हो, पब्लिक पूरी तरह से मतलब इस त्यौहार को एंजॉय करे, मनाए।